আজি পান্ধুৰ অন্তৰদেশীয় জলমাৰ্গ প্ৰাধিকৰণ স্থিত বন্দৰত আহি পালেহি এম ডি টাইডেল ৱেভ 4। নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰায় 700 মেট্ৰিক টন বৃহৎ ওজনৰ কাৰ্গো কঢ়িয়াই অনা জাহাজখনে 2 নং ৰাষ্ট্ৰীয় জলমাৰ্গ অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে আহি যোৱা 6 জুলাইত ধুবুৰীত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু 7 জুলাইত পান্ধুৰ দিশে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। জাহাজখনে কলকাতাৰ হেমনগৰ কাষ্টম পইণ্টৰ পৰা 11 জুন তাৰিখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি যোৱা 4 জুলাইত ভাৰত বাংলাদেশ প্ৰটকল জলমাৰ্গ স্থিত শিলমাৰী কাষ্টম পইণ্টত প্ৰৱেশ কৰিছিল। বিগত 6 জুন তাৰিখে কলকাতাৰ ডায়মণ্ড হাৰ্বাৰ বন্দৰৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা জাহাজখন হৈছে গুজৰাটৰ কৃষ্ণা শ্বিপিং এণ্ড লজিষ্টিক্স কোম্পানীৰ অধীনস্থ এখন জাহাজ। আজ এক ওভার ডাইমেনশনাল কার্গো ভেসেল, দ্যাট ইজ ওভার ওয়েট ডাইমেনশনাল কার্গো ভেসেল মেন ফর নুমলীগড় রিফাইনারি জেটি ও ইধর পৌঁছ গিয়া, আজ তো পান্ডুপোর্ট পৌঁছেগা। এই জাহাজ তো ডায়মন্ড হারবার সে স্টার্ট গিয়া অন 8 জুন ডায়মন্ড হারবার মে স্টার্ট গিয়া অ্যান্ড আর बांग्लादेश बॉर्डर दिस वेसल है ना थ्रू इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से आया और 6 जुलाई को बांग्लादेश बॉर्डर पहुंचा एंड 7 तारीख को हम लोग दुबरी टर्मिनल भी आया। आज 12 तारीख को पांडू पोर्ट आने का है, अभी और 1 घंटे में आ जाएगा। आज तो पूरा पानी का ब्रह्मपुत्र रिवर में पानी का ना पूरा करंट भी ज़्यादा है, पूरा फ्लड लेवल के ऊपर जा रहा है पानी, इसलिए थोड़ा सा स्लो आ रहा है। बट फिर भी वो वेसल तो अनदर आधा हाफ एन आवर में पांडुपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद इधर बंकरिंग भी होगा। ये तो सेकेंड कंसाइनमेंट है, ये तो नुमलीगड़ एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए। नुमलीगड़ में एक प्रोजेक्ट है 3 मिलियन मेट्रिक टन का, अभी तो 9 मिलियन मेट्रिक टन के लिए वो इन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए वो कार्गो आ रहा है, ओवर डायमेंशनल कार्गो। ये कार्गो रोड और रेलवे में नहीं आ सकता है, ओनली वाटरवे में आ सकता है। अभी वो अभी सेफली आ रहा है अभी सेकेंड कार्गो। इसका पहले एक कार्गो वेसल 521 मेट्रिक टन इसका पहले भी आया था, वो वेसल का सेफली वो नुमलीगड़ जेटी तो पहुंच गया, वो भी थ्रू इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल से थ्रू रूट से आया। वो कलकत्ता में स्टार्ट किया था, कलकत्ता में मार्च में स्टार्ट किया था, 18 मार्च को स्टार्ट किया था। वो टाइमली इधर धुबरी इधर धनसरी रिवर मुख में आया था। उसके बाद अभी नुमलीगड़ जेटी में 16 जून को उधर नुमलीगड़ जेटी पहुंचा था। हम लोग ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री सर्वानंद सोनोवाल साहब उसको रिसीव किया है वो नुमलीगड़ जेटी में। यही तो सेकेंड कंसाइनमेंट अभी जो आ रहा है, अभी ये भी आज पांडू पोर्ट आ जाएगा बंकरिंग के बाद, फिर वो वेसल भी फिर वो नुमलीगड़ जेटी चला जाएगा। ऐसा 24 ओवर डायमेंशनल कार्गो अभी आने वाला है। अभी 2 ऑलरेडी आ गया और 22 वेसल आने वाला है। News Desk, Voice 24x7.